भाइयों बहनों, मैं आज एक जानकारी यहां देना चाहता हूं। गुजरात की धरती से देश के लिए भी नई जानकारी होगी, इनको भी आश्चर्य होगा। हमारे देश में ऐसे ऐसे संगठन पैदा हो जाते हैं, 5-50 लोगों की टोली मिलकर के सरकारी कानून में रजिस्ट्री करवा दें, संस्थाएं चलाएं और विदेशों से हजारों करोड़ रुपए ले रहे थे, हजारों करोड़। लेकिन ये पैसे कहां खर्च हो रहे थे, किस इलाकों में खर्च हो रहे थे, दूर दराज गांवों में ये करने वाले लोग कौन थे, इनका मकसद क्या था, कांग्रेस सरकार के ये सब राग दरबारी होने के कारण इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा देश कभी इनसे हिसाब ही नहीं मांगा कि भाई विदेशों से पैसे लाते हो, करते क्या हो, क्योंकि ये उनके काम आते थे, हर गलत काम के लिए इनका इस्तेमाल होता था। और इसके पीछे भी कांग्रेस का राजनीतिक स्वार्थ था। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद ऐसे सभी संगठनों को जो विदेशों से पैसे लेते हैं, लाते हैं, हमने कहा भाई कानून कहता है आपको हर वर्ष हिसाब देना पड़ेगा, आपने दिया क्यों नहीं, मुझे बताइए हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। आज एक एक मध्यम वर्ग को अपना पाई पाई का हिसाब देश को देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। ये कौन सी खेत की मूली है तो उनसे कोई हिसाब ही ना मांगा जाए। आप हैरान हो जाएंगे, जब मैंने विदेशों से रुपये लाकर के कौन क्या खेल रहा है, कहां खेल रहा है, किसके लिए खेल रहा है, देश की स्वाभिमान के लिए कौन खिलवाड़ कर रहा है, उसके जब सवाल पूछे आप चौंक जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 20,000 संगठन ऐसे निकले जिन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, विदेशों से पैसे लाकर के बैठ गए, कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। और मैंने कानून को इतना ताकत से लागू किया कि अब वो 20,000 सरकारी दफ्तर में आना ही बंद हो गए, उनका विदेशों से आना पैसा भी बंद हो गया और भागे भागे फिर रहे हैं। आप मुझे बताइए ऐसे लोगों का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, ऐसे नहीं, मुझे पूरा समर्थन चाहिए, मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। गलत करते हैं तो सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये 20,000 संगठन मोदी के पीछे पड़ जाए तो मोदी ने डरना चाहिए क्या, डरना चाहिए क्या, मोदी की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा मोदी की रक्षा, कौन करेगा मोदी को आशीर्वाद कौन देगा। आपके आशीर्वाद होंगे तो भाइयों बहनों मैं इनसे पाई पाई का हिसाब लेकर रहूंगा, मैं बताता हूं। मैं जानता हूं ये दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है, लेकिन मैं देश के लिए पैदा हुआ हूं, देश के लिए जी रहा हूं और इसलिए ऐसी चीजों से परवाह नहीं करता हूं।